आजकल मैं देख रहा हूँ हर व्यापारी अपने मुनाफे को कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है। आज मैं देखता हूँ छोटे छोटे व्यापारी जब मुनाफा करने लगते हैं तो वो पैसे को निकालकर जमीन में, मकान में या किसी और जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक इंसान की स्टोरी बताता हूँ और इससे आपको सीखने को मिलेगा कि अपने बिजनेस के पैसे को हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने शायद चिक शैम्पू, नायल शैम्पू या फिर गार्डन नमकीन और एक और ब्रांड है इंडिका हेयर डाई, इसके बारे में सुना होगा। इसकी कंपनी है केविन केयर, जिसके मालिक हैं सीके रंगनाथन। इन्होंने 15,000 में अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और 400 करोड़ तक जब तक इनका बिजनेस नहीं पहुंचा तब तक इन्होंने अपना मकान नहीं लिया और इस वजह से हर रोज उनकी वाइफ के साथ उनके झगड़े होते थे। लेकिन उन्होंने पहले से ही ठान लिया था कि मैं तब तक मकान नहीं लूँगा जब तक मेरी कंपनी का बिजनेस वैल्यू एक लेवल पर ना पहुँच जाए। और आज हुआ क्या, आज उनकी कंपनी का वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज़्यादा है और आज वो 7,000 करोड़ कंपनी के मालिक हैं। आज वो चाहे तो कितने मकान खरीद सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक निश्चय किया था कि मैं एक लेवल तक पहुंचूंगा तो उसके बाद ही मकान खरीदूंगा। और हम थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाता है तो हम अपने बिजनेस के पैसे को कहीं और लगा देते हैं, बिजनेस पैसे निकाल के अपने धंधे को चूस ले रहे हैं। अब सोचिए कि अपने धंधे को चूसने के बाद में क्या आपके बिजनेस के अंदर कोई भी ग्रोथ करने का चांस बचेगा? शायद नहीं। इसीलिए आपके पैसे को, आपके बिजनेस के प्रॉफिट को कहीं पर और लगाने की बजाय अगर आपके बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करते हैं तो आपके बिजनेस में जितना मुनाफा हो सकता है दुनिया के कोई और इंडस्ट्री उतना मुनाफा आपको नहीं देगी। इसीलिए हमें अपने बिजनेस के पैसे को थोड़ी सतर्कता के साथ यूज़ करना है ताकि हमारे बिजनेस का पैसा हमें और बिजनेस में प्रॉफिट करके दे, ना कि कहीं पर और ब्लॉक करना है। तो ये आपकी जवाबदारी है कि आपके बिजनेस के पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो, वरना इसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। थैंक यू।